नमस्कार, culture.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाजर और गोभी का अचार बनाना बताऊंगी। सर्दियों के मौसम में जब गाजर और गोभी अच्छी आती है तब इसे बनाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं गाजर और गोभी का अचार कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। गाजर और गोभी का अचार बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज की गोभी ले ली है। करीब आधा किलो हमने गाजर ली है, ये लाल वाली गाजर ली है हमने। चार पांच हरी मिर्चें ले ली है हमने, ये मोटी वाली हरी मिर्च है। इसके अलावा मसालों में हमने ये एक चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच लाल मिर्च है, एक छोटा चम्मच मेथी दाना है, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग है, डेढ़ चम्मच नमक है, दो बड़े चम्मच पीली सरसों है, दो बड़े चम्मच मोटी वाली सौंफ है। इसके अलावा हम सरसों का तेल इसमें डालेंगे, तो ये हमने आधा कप सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम गोभी और गाजर को काट के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम मसाले तैयार करेंगे। गाजर को हम छील के थोड़े लंबे लंबे से टुकड़े काट लेंगे, तो इसे छील लेते हैं पहले। इसका ऊपर का ये डंठल काट देंगे, इस तरह से इसके हम करीब एक एक इंच के टुकड़े कर लेते हैं। गाजर के इस तरह से पतले और लंबे टुकड़े हम काट लेंगे। अगर ज्यादा बड़ा टुकड़ा है तो हम इसके ज्यादा टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं पकने हैं, नहीं तो उसको पकने में टाइम लगेगा। अगर बीच में बहुत ज्यादा पीला वाला भाग है तो इसे थोड़ा निकाल दें। इस तरह से सारी गाजर इसी तरह से काट के तैयार कर लेते हैं। ये सारी गाजर हमने काट के तैयार कर ली है, और हम गोभी को भी काट लेते हैं। गोभी का पहले ये हम डंठल हटा देंगे, इसे हमें नहीं डालना। इस तरह से इसके हम बड़े बड़े निकाल लेंगे सारे। गोभी को अच्छे से साफ करके हम इस तरह से इतने छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेंगे। बहुत बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं, बस इस तरह के मीडियम साइज के टुकड़े इसके काट लेंगे। गोभी को अच्छे से चेक कर लेंगे उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना हो। गोभी भी हमने सारी काट के तैयार कर ली है, अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम इसे हल्का सा उबाल लेंगे, तो इसे हम धो लेते हैं दो तीन बार अच्छे से। गाजर और गोभी को हमें थोड़ा सा हल्का सा उबालना है, तो उसके लिए हमने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसमें हम डाल के इसको उबालेंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें हम पहले गाजर डाल के उबाल लेते हैं। ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम उबल जाने देते हैं। बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, बस 3-4 मिनट हम इसे पकाएंगे और निकाल। गाजर पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। गर्म पानी में हम गोभी को उबाल लेंगे, तो गोभी को उबालने के लिए हम इसमें आधा चम्मच करीब नमक डाल देंगे, जिससे अगर गोभी में कुछ भी अगर कीड़े वगैरह हों तो सारा पानी में निकल जाएंगे। गोभी भी इसी पानी में हम डाल देते हैं। गोभी को भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है, उससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर गोभी गल जाएगी। कवर कर देते हैं और इसे 3-4 मिनट के लिए पक जाने देते हैं। ये गोभी उबलते हुए भी 4 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और गोभी को भी निकाल लेते हैं। उबली हुई गाजर और गोभी को हम किसी कपड़े के ऊपर फैला देंगे और इसे हम धूप में कम से कम 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही हम इसे अचार बनाएंगे। इसे हम धूप में फैला देते हैं, 2 घंटे बाद हम इसका अचार बनाएंगे। ये गाजर और गोभी जो हमने उबाल के धूप में सुखाई थी, ये सूख के तैयार हो गई है। अब हम इसमें बाकी के मसाले मिला के अचार बना लेते हैं। तो ये जो हमने हरी मिर्च ली थी, ये भी इसमें काट के मिला देते हैं। इस तरह से कुछ छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। ये हो गया है, अब हम बाकी के मसाले तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने सौंफ और पीली सरसों और जो मेथी ली है, इसे हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे, बहुत बारीक पाउडर नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते हैं। इसे मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। ये मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है। अभी जो हमने सरसों का तेल लिया था, इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, जिससे इसका तीखापन निकल जाए।
उसे गर्म कर लेते हैं, फिर इसे हम ठंडा करके अचार में मिलाएंगे। तेल को हम किसी पैन में डाल के गर्म कर लेते हैं। अब हम मसाले अचार में मिला देते हैं। ये हल्दी पाउडर मिला देते हैं, लाल मिर्च पाउडर मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, हींग मिला देते हैं, और ये जो हमने मसाला पीस के रखा है सौंफ, राई और मेथी, इसे भी मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसे। इसके अलावा हम इसमें 3 बड़े चम्मच सफेद सिरका डालेंगे। ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। अगर आपके पास सफेद सिरका नहीं है तो जो भी सिरका अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। सिरका हमारे अचार को खराब नहीं होने देगा और एक खट्टापन भी देगा, तो आप इसमें जो भी सिरका हो वो मिला सकते हैं। हम इसमें 3 बड़े चम्मच सफेद सिरका मिला रहे हैं। ये तेल हमने गरम कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसे अचार में मिला देंगे। सारे मसाले हमने मिला लिए हैं, तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें मिलाएंगे। ये तेल जो हमने गरम करके रखा था ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे अब हम अचार में मिला देते हैं। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये अचार तैयार हो गया है। इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भर के रख देते हैं और इसे 2-3 दिन तक हमें धूप में रखना है, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे किसी डब्बे में भर देते हैं। अचार को हमने डब्बे में भर दिया है, इसे अब हम 2-3 दिन तक धूप में रखेंगे, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारा गाजर और गोभी का अचार बन के तैयार हो गया है। हमने इसे 2-3 दिन तक धूप में रखा और उसके बाद हमने इसमें 1/4 कप तेल गरम करके और डाला है, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये सूखा लग रहा था। ये अब खाने के लिए एकदम तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बना है, आप भी इसे घर पे बनाइए, ये सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।